जिन्हें आज तक ये पता ही नहीं है कि पूज्य भाई श्री की भक्ति पीठिका के द्वारा कितना उत्तम सर्वोत्तम कार्य शिक्षण के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में हो रहा है। पूज्य भाई श्री भक्ति पीठिका से ज्ञान यज्ञ के साथ साथ शिक्षा यज्ञ का भी उत्तम कार्य कर रहे हैं। आइए आज हम चलते हैं पूज्य भाई श्री की जन्मभूमि देवका में, जहां पर पूज्य भाई श्री के द्वारा 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान समय में हमारे भारत देश के वड़ा प्रधान आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जिस देवका विद्यापीठ का उद्घाटन हुआ था, उस देवका विद्यापीठ के हम छोटे से दर्शन करें, चित्रमयी हम सभी संग मिलकर झांकी करें। पूर्व दिशा से उदयांचल से निकलता हुआ भुवन भास्कर भगवान आदित्य की दिव्य किरणें देवका की भूमि को अपनी किरणों से प्रकाशित कर रही है, और उस समय दिव्य नाद के साथ देवका विद्यापीठ में पढ़ रही हमारी बच्चियां, सभी छात्राएं जागृत होती है, और फिर उनके द्वारा एक दिव्य मनोहर उपक्रम का आरंभ होता है। जैसे कि हम सभी इस दिव्य छवि में देख रहे हैं, हमारे देवका विद्यापीठ की छात्राएं योग कर रही है, कहीं बच्चियां खेल रही है। इनके मुस्कुराते हुए चेहरे देखकर लगता है कि पूज्य भाई श्री की कृपा इन पर कितनी बरस रही है। देवका विद्यापीठ में विशेष रूप से बच्चियों को पढ़ाया जाए, ये एक शुभ संकल्प है पूज्य भाई श्री का। पूज्य भाई श्री कहते हैं कि जब मैं अपने गांव गया और वहां गांव की जो बच्चियां हैं, उन बच्चियों को जब मैंने पूछा कि बेटा अब तुम 8 धोरण पढ़ लिए, 8वीं क्लास तक तुमने पढ़ाई कर ली, अब आगे क्या करोगी, तो वो छोटी छोटी प्यारी प्यारी बच्चियों ने पूज्य भाई श्री से कहा कि हमें आगे पढ़ना तो है, लेकिन हमारे बड़े बुजुर्ग हमको बाहर पढ़ने नहीं जाने देंगे, क्योंकि यहाँ देवका में कोई विशेष सुविधा नहीं है पढ़ने की। तो पूज्य भाई श्री ने कहा कि अच्छा, बाहर नहीं पढ़ने जाने देंगे, तो हम ऐसा करते हैं कि बच्चों तुम्हारे लिए हम यहीं पर एक विद्यापीठ का निर्माण करते हैं, और उसी से जन्म लिया हमारी देवका विद्यापीठ ने, जिसका सूत्र दिया पूज्य भाई श्री ने, विद्या, विद्या से विवेक और विवेक से विकास। विद्या, विवेक और विकास, इन तीन सूत्रों में भी पूज्य भाई श्री के मन का एक गर्भित भाव छुपा हुआ है। विद्या माने परा और अपरा दोनों ही विद्या प्राप्त हो, और परा अपरा विद्या प्राप्त करते करके कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध हो, जिसको हम विवेक कहते हैं, और उसी से, उसी विवेक से, उसी कर्तव्य और अकर्तव्य के बोध से स्वसे स्वदेश का दर्शन, वैयक्तिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, विशेष रूप से बुद्धि का विकास हो, तो इस तरह से विद्या, विवेक और विकास, ये तीन सूत्र पूज्य भाई श्री ने दिए। कितना प्यारा सा यह चित्र है। पूज्य भाई श्री जब भी जाते हैं देवका विद्यापीठ में, वहां पर पढ़ रही बच्चियों से अवश्य संवाद करते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनकी जिज्ञासाओं का समाधान देते हैं। आज देवका विद्यापीठ में 350 से भी अधिक गर्ल्स वहां पर फ्री ऑफ चार्ज पढ़ रही है, एकदम निशुल्क पढ़ाई होती है वहां पर, और ये भक्ति पीठिका का प्रसाद वहां उस देवका विद्यापीठ में चल रहे शिक्षा यज्ञ तक पहुंचता है। यदि हम देखें वहां का पूरी दिनचर्या, यदि हम देखें देवका विद्यापीठ की, तो वहां पर 6:45 बजे सभी बच्चे उठ जाते हैं, फिर 7 बजे सुबह की प्रार्थना होती है, 7:30 बजे ब्रेकफास्ट किया जाता है, 7:45 बजे सभी बच्चे अपने अपने रूम की सफाई में लगते हैं, फिर रीडिंग का टाइम होता है, 9:30 बजे तक रीडिंग करती है सभी बच्चे, और फिर 10 बजे स्कूल जाते हैं, 12:30 बजे तक पढ़ाई करते हैं, 12:30 बजे लंच करने के लिए फिर से हॉस्टल में आते हैं,
12:30 से 1 बजे तक लंच करते हैं और फिर वापस स्कूल में जाते हैं। 4 से 4:30 बजे तक पढ़ाई होती है उनकी, फिर वो सायं समय का ब्रेकफास्ट लेते हैं, फिर 4:30 से 6 बजे तक उनको जो होमवर्क दिया जाता है बच्चे वो होमवर्क करते हैं, और 6 बजे से 7 बजे तक आउटडोर गेम्स खेलते हैं बच्चे। 7 बजे का समय प्रार्थना का समय है और 7:30 बजे का समय डिनर का समय है। 8 बजे से रीडिंग करते हैं बच्चे। तो इस तरह से पूरी की पूरी दिनचर्या है। साथ में हम आपको ये भी बताएं कि वहाँ पर केवल गर्ल्स एजुकेशन ही नहीं है, वहाँ पर छोटी सी प्यारी सी बॉयज़ हॉस्टल भी है और वहाँ पर 150 बच्चे वहाँ पर पढ़ाई करते हैं।